Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग ठीक हैं, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे हमेशा। मैं दरवाजा को भी अभी सुबह सुबह खोल दिया है और कर्टन्स को भी मैं हटा दूंगी। सुबह सुबह उठ के मेरा पहला काम है सभी रूम का कर्टन्स को मैं हटा देती हूँ। अभी मैं लिविंग रूम का कर्टन्स को हटा दिया है। अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, गुनगुना पानी। अभी मैं गुनगुना पानी पी लूँगी, उसके साथ मैं डाबर हनी एक चम्मच या डेढ़ चम्मच मिला दूँगी। और मेरा हनी ख़त्म हो गया था, अभी मैं नया खुल के दे रही हूँ। और बैठ के अभी मैं पानी पी लूँगी। पानी पी के ही मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करने से पहले ही मैं पानी हर रोज पी लेती हूँ। सुबह से ही मैं आज ब्लॉग सो के उठ गया था, तभी शुरू कर दिया था। और इतना देर बाद मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, बात तो आप लोग से मैं नहीं किया था। और आज तो थर्सडे है, अभी मैं बाज़ार के लिए जाऊँगी। मैं संडे को भी नहीं गया था। और आज थोड़ा सा मैं सब्ज़ी वगैरह बाज़ार कर लूँगी, देखती हूँ और क्या क्या लेती हूँ बाज़ार से। ठीक है, मैं अभी बाज़ार के लिए चल जाती हूँ और सोचा आप लोग से थोड़ा बात भी कर लूँ। और ठीक है, मैं अभी बाज़ार से आके आप लोग से बात करती हूँ। बाजार के लिए पैदल ही मैं जाऊंगी। और मेरा बेटी मेरे पास है, वो कुछ ना कुछ बोल रही है और मुझे हंसा रही है। और आज मौसम ठीक है, अभी तो धूप नहीं है, सुबह से बहुत धूप था। चलते हैं मेरे साथ बाज़ार आप लोग भी, थोड़ा सा बाज़ार को भी घुमा दूँ मैं आज आप लोग को। मैं इसे तो बाज़ार को घुमाते ही रहती हूँ। ठीक है, आज भी घुमा दूँ आप लोग को। मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ। आज बाज़ार से मैं तो हर दिन जो बाज़ार से मतलब सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ, सब्ज़ी वगैरह साथ ही मैं और थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, क्योंकि आज तो 30 मई है। मैं जून का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मैं घर में जाऊँगी, मतलब मायके में जाऊँगी। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया है और भी करना बाकी है अभी।
अभी मायके में जाने से कुछ ना कुछ सभी के लिए छोटा सा ही है चीज लेने लेने का मन सभी का करते हैं। मेरा भी मन करता है और मैं भी थोड़ा बहुत शॉपिंग आज कर लिया है और आज तो बाजार में बहुत भीड़ है। मैं क्या क्या लिया है मैं आज आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, एक साथ ही मैं कर दूँगी क्योंकि एक दिन थोड़ा थोड़ा चीज दिखाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक साथ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और बाजार से मैं आ गई थी घर में और देखा घर में मेहमान बैठा है, मेहमान मतलब ऐसे हमारा घर का पड़ोसी है ऐसे आ गया था शाम का टाइम में बैठने के लिए। मम्मी के साथ थोड़ा बैठ के बात ही कर रही थी, मैं भी उसके साथ बैठ के थोड़ा बात कर ली, फिर बाद में चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं सोचा क्यों ना आज मैं सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर दिया था और जाने के टाइम में मैं ऐसे ही खड़ा होकर थोड़ा बात आप लोग से कर लिया है। अभी मैं सोचा आप लोग से थोड़ा बैठ के बात कर लूँ। और भी एक चीज आज मैं लेके आई हूँ, मेरा मतलब भागिनी के लिए, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, और हम तो असमीज में भागिनी बोलता है। और मेरा ननन का लड़की है, उसका 29 को मतलब 29 मई को उसका बर्थडे था, वो 2 जून में हमारा घर में आएगा, इसलिए मैं उसके लिए आज एक सिलिंग्स लेके आया हूँ। उस वो आप लोग के साथ मैं अभी शेयर कर दूंगी कैसा है, आप लोग प्लीज बोलिए कमेंट करके। और ये है, ये देखिए, और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं सोचा क्यों ना वो आएगा उसके लिए कुछ ले लूं, यही मैंने उसके लिए खरीद लिया है। और आज तो इतना गर्मी नहीं, आज मौसम अच्छा है, थोड़ा बहुत गर्मी है मतलब सुबह से बहुत धूप निकला हुआ था, अभी तो नहीं है। और कैसा लगा, अच्छा है ना? और ठीक है, अभी मैं खाना बनाने के लिए किचन में जाऊंगी और जो भी सामान मैं लेके आया था मतलब सब्जी वगैरह अभी भी मतलब मैंने अपनी जगह में नहीं सेट किया है, जैसे लेके आया है ऐसे ही है। अभी मैं अच्छी तरह से ठीक ठाक कर दूंगी और बाद में मैं खाना बनाने के लिए किचन जाऊंगी। ठीक है, अभी मैं बाद में मिलती हूँ आप लोग से। मैंने आज यही सब्जी लेके आया है बाजार से, अभी मैं सबको वॉश कर लूंगी, वॉश करके अच्छे से मैं रख दूंगी। और ठीक है, अभी मैं खाना बनाने के टाइम भी हो गया। ये देखिए मिमी मेरे पास क्या कर रही है, ये तो बहुत बदमाश है, मेरे पास ही रहता है, वो सोचा मैं बाजार से मछली लेके आया हूँ उसको मछली चाहिए इसलिए मेरे मुझे ऐसे मेह कर रही है। ठीक है, मैं अभी इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लूंगी। मैं किचन में आ चुकी हूँ और देखा मसूर का दाल नहीं है किचन में, मैं मसूर को दाल को भरा लूँगी। मसूर दाल को मैंने वॉश कर लिया है, अभी दाल को मैं प्रेशर के साथ चढ़ा दूंगी गैस में। आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, आलू फ्राई करने के बाद मैं इसी तेल में ही दाल को सोका लगा दूंगी। मैं उबल के टाइम में नमक और हल्दी नहीं डालती हूँ, अभी मैं डाल दिया है, अभी गर्म पानी भी दे दिया है। अभी दाल को मैं पाँचफोरन और सूखा मिर्ची दे के साथ में प्याज दे के मैं सोका लगा लूँगी। और चावल को भी मैंने धो के
गैस पे सरा दिया है और दाल मेरा हो गया है। अभी दाल को मैं उतार लूँगी। मैं मछली को फ्राई कर रही हूँ और प्याज को मैंने काट कर रख दिया है और टमाटो को भी मैं पेस्ट बनाकर लेके आई हूँ। मैं तेल में प्याज और टमाटो को दे दिया था, उसके साथ मैं नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर देके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और साथ ही ग्रीन चिली को दिया है दो। अच्छी तरह से मसाला पक जाने के बाद मैं मछली को दे दिया है। मछली देने के बाद मैं थोड़ा पानी दे दूँगी और मैं मछली को ड्राई ड्राई बनाऊँगी। इस पानी को मैं थोड़ा टाइम सूखने के लिए रख दूंगी। रखने के बाद में मेरा मछली ड्राई फ्राई हो जाएगा। मैंने खाना बना दिया है। अभी मैं थोड़ा बैठ के टीवी देख रही हूँ, टीवी मतलब न्यूज़ देख रही हूँ। बाद में खाना खाऊंगी। आज मैं दाल बना दिया, आलू फ्राई कर लिया और साथ ही मैं मछली और टमाटो के साथ इसे गाढ़ा गाढ़ा सा, क्या बोलूँगी, ड्राई जैसा ही बना दिया है मैंने। और अभी मैं थोड़ा देर बाद ही खाना खाऊंगी। आज तो इतना गर्मी भी नहीं है। आज तो मैंने बाज़ार गया था, क्या क्या लिया था ऐसे बोल ही दिया है मैंने। और इन दिनों मेरा मन बहुत खुश है। वो दिन कब जल्दी आएगा, मैं घर में जाऊंगी, इसीलिए कहीं जाने वाले हूँ, इसलिए मन को ऐसे उठल पुथल जैसा लगता है, कब जाऊँ कब जाऊँ, ये दिन कब आए। और मायके में जाने जाऊंगी तो ज़्यादा ऐसा होता है। और क्योंकि जिस जगह में मैं पैदा हुई, बड़ा भी हुई हूँ और मेरा सभी रिश्तेदार इधर ही है, मतलब मेरा मायके में ही है। और मैं इतना दूर, कितना दूर है, बहुत दूर है, मेरा हस्बैंड का घर तो बहुत दूर है मायका घर से। और ठीक है, अभी मैं खाना खा लूँगी और आज का ब्लॉग भी एंड कर दूँगी। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर देना। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।